हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति एक्का। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पे। तो आज का जो ब्लॉग है मैं बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज मेरी दीदी और जीजू का 6th एनिवर्सरी है। मतलब 6 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना एनिवर्सरी का। तो हम लोगों ने छोटा सा सरप्राइज़ रखा है और मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या अरेंज किया है। वैसे मैं एक केक मैं लेके आई हूँ। मैं सोची केक कटिंग करवाऊँगी और बुके है और उसमें हमने चॉकलेट लगवा दिए हैं, कैडबरी लगा दिए हैं, तो वो सब मैं दिखाऊँगी आपको। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे दो दो केक हो गए हैं। एक चीज़ा खुद से लेके आए हैं कि सेम शॉप से लेके आए हैं और हम लोग भी वहीं से केक लेके आए हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि मैं मॉर्निंग में लेके आई हूँ और जो जीजा है वो है इवनिंग में लेके आया है। हम लोग सोचे कि हम लोग इवनिंग में सब लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे, केक कटिंग करेंगे, बट ऐसा देखी तो दो दो केक आ चुका है। जब मैं काम कर रही थी मैं सोची कि इवनिंग में केक कटिंग करेंगे, तब तक जीजा जाके ले आया है केक। हो गया, कोई बात नहीं, दो दो केक खाएँगे अलग अलग फ्लेवर। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्या है। और अभी मुझे रेडी भी होना, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं ऐसी पड़ी हुई हूँ। देखो अब मैं बेड में ऐसी हूँ, अब जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ और मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि आज मैं कैसे दिख रही हूँ। और बाकी लोग का मैं लुक दिखाऊँगी कि लोग कैसे दिख रहे हैं, मेरे दीदी जा कैसे तैयार हुए हैं और दी की बेटी वो भी दिखाऊँगी। ठीक है, चलिए ब्लॉग में बने रहिए और एंड तक देखिएगा आप। जैसा कि आप देख सकते हो कि हो गई हूँ मैं रेडी। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं की, मैं ऐसे बाल अपने खुले रख रही हूँ और मैंने ड्रेसअप किया हुआ है। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसा लुक, मेरा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मैं दिखाऊंगी कि मेरा लुक कैसा दिख रहा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा दिखे वो चीज़। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ। मैंने पिंक कलर का एक ड्रेस पहना हुआ है, उसमें बेल्ट लगाई हुई हूँ और मैं ज़्यादा मेकअप नहीं की, एकदम लाइट मेकअप की हूँ। और ऐसे मैंने अपना हेयर एकदम वो रखा है, खुला रखा हुआ है। बीच में थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो रहा है, अभी केक कट होने के बाद फिर से फ़ोटोशूट होगा। आप देखना वीडियो में एंड तक देखोगे, आप बने रहोगे तो आपको दिखेगा बीच में और फ़ोटोशूट होंगे। अब टाइम आ गया है गिफ्ट देने का। जैसा कि आप देख सकते हो बुके, ये दोनों मेरी जो दीदी के देवर लोग हैं वो लोग ने बुके मंगवाया था। जल्दी जल्दी जाइए, मां और चॉकलेट भी लगाए हैं। जाइए जाइए, साथ में दीजिए। ये लो, ये दे रहे हैं गिफ्ट। और मैं अरे मां को साथ में दीजिए। तो दो केक हैं जिसमें से रेड वाला केक है वो मैंने तो वीडियो बना दिलों के लिए मंगवाया है, दिया है। एनिवर्सरी एक जो रेड वाला केक है वो रेड वेलवेट है एंड जो उसके बगल में चॉकलेट वाला है वो ब्लैक फॉरेस्ट केक है। अब है टाइम छोटा सा प्रेयर का। कभी भी हम लोग के घर में कोई फेस्टिवल हो या बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो, हमेशा छोटा सा प्रेयर करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेता बने।
अब टाइम आ गया है केक कटिंग का। जैसा कि आप देख सकते हो अब केक कटिंग होने वाला है। पूरा खाओ। आशी को मिली है क्या? देख खाने का मन कर रहा है, काम करने का दादी का, काम करने का दादी। चलो अब आपस में खिला लो। केक देख के खाई मन कर रहा था। अरे वैसे मत डर ना। ठीक है चॉकलेट देंगे, रुको ना। देख रही हो? जा पहले। चलिए चलिए बोले तो है। अरे कहाँ वो तो गिर गया क्या? नहीं गिरा ना। टाइम फॉर फोटोशूट। आप देखो और फोटोशूट हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, उसके बाद से मैं कुछ कुछ फ़ोटो में डाल दूँगी, इस पर वीडियो पे ही मैं ऐड कर दूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या फ़ोटोज़ कैसे कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हैं। ये है आशी, देखी बेटी। इसको मैं बोली कि चलो तो आशी तुम्हारा वीडियो बना देती हूँ, तो इसने मना कर दिया। तो हो गया, जो फोटो आया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका ड्रेस बहुत सुंदर, बहुत क्यूट सी दिख रही थी ये। और ये सब देखिए फैमिली फोटोज। अब आ गया टाइम। देखो ये है मटन, चीजा ने बनाया है अपने हाथों से। मटन बनाया है और पुलाव बनाया है, और स्मेल इतना अच्छा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और खाने में तो आपको तो पता ही है कि जब इतना अच्छा दिख ही रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। अब डिनर करने का वक्त आ गया, सबकी प्लेटें लग गई हैं, अब सब बैठ के खाना खाएंगे। बोले हो गए ये देख के खाना खाना खाने तक कपड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे सोनम के पापा के लिए खाना भिजवा दिए हैं, आप देख सकते हो। उनके लिए मटन गया है और दो कंटेनर में पुलाव गया है।
जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोग खाना खाने बैठ चुके हैं और खा के अब हम लोग जाकर सो जाएंगे क्योंकि बहुत रात हो गया है, 11:30-12 बजने जा रहा है। और आज का ब्लॉग यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्जॉय किया हो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।